Hi guys, I'm Mukesh. Today in this video, I'm gonna teach you the difference between and among. Because मेरे एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था, सर between और among के बीच में ठीक है डिफरेंस बताइए और उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाइए. दैट्स वाई टूडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. आइए आज के लेसन स्टार्ट करते हैं. दोनों के बीच एक माइनर डिफरेंस है, वो डिफरेंस समझते हैं. तो दोनों का हिंदी होता है बीच. बिटवीन का भी हिंदी होता है बीच और एमंग का भी हिंदी होता है बीच. ओके फ्रेंड्स, बिकॉज ये जो एमंग वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, देर आर अ लोट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड पीपल्स हु प्रोनाउंस दिस वर्ड रॉन्गली. सो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ये अमोंग नहीं है. अमोंग जो पढ़ते हैं वो रॉन्ग है. इसको पढ़ेंगे एमंग एमंग एमंग. ओके फ्रेंड्स, एमंग एमंग ये है बिटवीन. ठीक है, आई थिंक ये तो आप जानते ही हैं. तो दोनों का हिंदी होता बीच. बीच जब भी बीच शब्द आए किसी भी सेंटेंस में तो उस सिचुएशन में या तो एमंग राइट करेंगे या तो बिटवीन राइट करेंगे. कहाँ पर एमंग राइट करेंगे, कहाँ पर बिटवीन लगाएंगे, इस चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए. और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा एक भी लेटेस्ट वीडियो आप लोग मिस ना कर पाइए. तो ये जो बिटवीन होता है, दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में, दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में हम लोग लगाते हैं बिटवीन. लिसन टू माई वर्ड्स वेरी केयरफुली. वॉट एम आई गोइंग टू टेल यू? दो या दो व्यक्ति के बीच में ठीक है हम लोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हम लोग लगाते हैं बिटवीन. जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो तब उस सिचुएशन में बीच के लिए हम लोग यूज करेंगे एमंग का. आई थिंक यू डिंट अंडरस्टैंड. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. जैसे राम और सोहन के बीच सोया हुआ हूँ. मैं राम और सोहन के बीच सोया हुआ हूँ तो बोलेंगे इसको इंग्लिश में आम स्लीपिंग बिटवीन राम एंड सोहन. लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल. मैं राम सोहन और मोहन के बीच सोया हुआ हूँ. आम स्लीपिंग एमंग राम सोहन एंड मोहन. दैट्स ऑल. तो इसी तरह से ही मैंने यहाँ पर राइट किया बिटवीन. तो बिटवीन का यूज करेंगे दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में. ठीक है, बिटवीन का यूज करेंगे. और एमंग का यूज करेंगे दो से ज़्यादा व्यक्ति हो, दो से ज़्यादा वस्तु हो, तब उस सिचुएशन हम लोग यूज करेंगे एमंग का. यहाँ पर हेयर आई हैव रिटेन टू सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन यू क्लियरली. सो आइए इसको देख लेते हैं. संपत्ति को दो बच्चों में बांटा गया. संपत्ति को चार बच्चों में बांटा गया. तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा तो दो आया है. जब भी नंबर में दो आए या तो वो व्यक्ति हो या तो वस्तु हो तो हम लोग यूज करेंगे बिटवीन का. तो इसका ट्रांसलेशन किस तरह से बनेगा? द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड. द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू चिल्ड्रेन. दैट्स ऑल. द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू चिल्ड्रेन. नेक्स्ट ट्रांसलेशन को देख लेते हैं. संपत्ति चार बच्चों के बीच में बांटा गया. द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड एमंग फोर चिल्ड्रेन. That's all. The property was divided among four children. So, यदि आपको ये information अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले. यदि आप भी इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं, यदि आपको भी ग्रामर के किसी टॉपिक में कोई डाउट्स हैं ठीक है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. मैं उस पर ज़रूर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स.